बात hey करने वाले हैं कि कैसे आप अंडर वैल्यू कॉइन यू नो फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि जनरली होता क्या है कि लोग बोल तो देते हैं कि यार ये कॉइन अंडर वैल्यू है जैसे लास्ट ईयर कई ऐसे ट्विटर पर इन्फ्लुंसर भी प्रमोट करते थे तो दे यूज टू कॉल मैटिक वैन इट वॉज अराउंड थ्री डॉलर पीपल आर से इज अंडर वैल्यू मैट्रिक बीस डॉलर होना चाहिए बट कई लोगों ने तब उनको अंडर वैल्यू बोला जब वो अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक थे उसके बाद तो ड्रॉप हो गया और अभी ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट तक भी करेक्शन हुआ है कई कई कॉइन्स में और लोग मन से ही अंडर वैल्यू कोई भी कॉइन को बता देते हैं उनको लगता है अंडर वैल्यू तो अंडर वैल्यू है बट इनफैक्ट क्या होता है कि जब भी आप किसी कॉइन को अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड बोलते हो तो उसके पीछे एक सॉलिड मैट्रिक्स होनी चाहिए डेटा पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए इसके बेस पे आप बोल रहे हो वो डेटा पॉइंट्स नहीं है तो आप बोल कैसे बोल सकते हो कोई कॉइन अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है तो डेटा पॉइंट्स के बेस पे डेटा पॉइंट्स को यूज़ करके डेटा मैट्रिक्स को यूज़ करके कैसे आप डिराइव कर सकते हो कौन सा आ, क्रिप्टो करेंसी जो है वो अंडर वैल्यू है और कौन सा क्रिप्टोकरेंसी ओवर वैल्यूड है उस पर हम बात करेंगे पहले ऐसा टूल अवेलेबल नहीं थे बट अभी लकीली वी गेट अलाट ऑफ टूल्स

तो उस पर हम बात करेंगे उसके लिए जो टूल पे आज कवर करने वाला हो द टूल नेम इज़ टोकन टर्मिनल इट्स एन अमेजिंग टूल इस पर सारे क्रिप्टोकरेंसी का आपको डेटा मिल जाता है और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटा मिलता है उसमें वॉल्यूम मार्केट कैप उनका रेवेन्यू कितना आ रहा है प्रोटोकॉल रेवेन्यू फीस कितनी जनरेट की है पी बाई एस रेशो कितना है यू नो एल कितना है सब कुछ आपको मिलेगा तो उसके भी आप हाँ पे यूजिंग दिस डेटा मेट्रिक यू कैन एक्चुअली डिराइव कि कौन सा अंडर वैल्यू है कौन सा ओवर वैल्यू है तो यहाँ पर सबसे पहले इसका डैश बोर्ड देखता है तो डैश बोर्ड में यू नो सबसे पहले तो आपको ये दिखता है प्रोटोकॉल रेवेन्यू का सेक्शन दिखता है उस पर चार्ट आपको दिखेगा कि कौन सा प्रोटोकॉल कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो प्रोटोकॉल रेवेन्यू ओपन सी का जो प्रोटोकॉल है जो प्लेटफॉर्म है वो तो दो सौ बीस मिलियन डॉलर का रेवेन्यू उसने एक सौ अस्सी दिन में जनरेट किया है उसके बाद आपका लुक्स रेयर हो गया वो भी एन एफ टी मार्केट प्लेस है तो एन एफ टी मार्केट प्लेस आर जनरली जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू उसके अलावा एलुवियम जो है वो एक गेमिंग मार्केट प्लेस है वो वो गेम बना रहे हैं तो उन्होंने भी अपने एन एफ टी सेल करके सेवेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है फिर पेनकेक स्वैप है जो आपको पता ही है बाइनस स्मार्ट चेन पे डी प्रोटोकॉल है तो वहाँ पे भी कई सारी एक्टिविटी होती है डेक्स है पूल्स है फार्मिंग है काफ़ी कुछ है तो उनका भी रेवेन्यू काफ़ी सही है फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री बिलियन डॉलर है तो इस टाइप से आप रेवेन्यू देख सकते हो सारी कंपनी का कि कौन सा स्टार्टअप कौन सा क्रिप्टो करेंसी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है उसके बाद ये जो चार्ट है वो टॉप टेन डेप्स एंड ब्लॉक बेस्ड ऑन डेली प्रोटोकॉल रेवेन्यू इन द पास्ट वन डेज ये डेली प्रोटोकॉल रेवेन्यू के हिसाब से आप देख सकते हो किसका कितना डेली रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो उसका ये चार्ट है राइट तो ये चार्ट आप देख सकते हो बट मेन जो इसकी डिटेल्स है वो आगे आपको पता चलेगी टी जो होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है अभी टी की बात करते हैं तो टी क्या होता है कि, कि कितना ज़्यादा अमाउंट जो है वो डिपोजिट है उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में या डिफाई एप्लीकेशन है तो उसके अंदर कितने लोगों ने कितना पैसा डिपॉजिट किया जितना ज़्यादा पैसा डिपॉजिट किया उतना ज़्यादा कि वहाँ पे लोगों का ट्रस्ट है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है टी की और डिफाई के अंदर जो मार्केट कैप स्लैश टी का जो रेशो होता है इंपॉर्टेंट रेशो है अगर मार्केट कैप टी का रेशो एक से नीचे है तो जनरली वो क्रिप्टो करेंसी अंडर वैल्यू के अंदर आती है और एक से ऊपर है तो ओवर वैल्यू के अंदर जाती है राइट सो so, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई डिफाई एप्लीकेशन है उसका अगर टी ज़्यादा है उसके मार्केट कैप से तो वो अंडर वैल्यू है तो डिफाई का ये आप देख सकते हो कि जिस भी डिफाई एप्लीकेशन का आप टी देख रहे हो उसके मार्केट कैप से ज़्यादा मार्केट मार्केट कैपुलेटिंग जो सप्लाई है उसके हिसाब से जो करंट मार्केट कैप है वो आपको कंसिडर करना है तो उससे ज़्यादा है तो वो जनरली उसके अंदर आता है कि ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल जो है वो अंडर वैल्यू हो सकता है यहाँ पे वीकली मूवर्स का चार्ट है पूरा टोटल वैल्यू लॉक का आपको यहाँ पे डेटा मिल रहा है कि कितना टोटल वैल्यू लॉक गेन हो रहा है वीकली चार्ट के हिसाब से वो आप यहाँ पे देख सकते हो टी का डैशबोर्ड है टोटल रेवेन्यू का डैशबोर्ड है प्राइस टू सेल्स का रेशो का डैशबोर्ड है जो प्राइस टू सेल्स हो गया प्राइस टू रेवेन्यू हो गया ये सब स्टॉक मार्केट में इक्विटीज़ में इस काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा मैट्रिक्स होते हैं इनको यूज़ करके कंपनी की स्ट्रेंथ पता चलती है वो सारी डेटा मेट्रिक जो है वो क्रिप्टो के अंदर भी अभी लोग यूज़ कर रहे हैं और ये जो टोकन टर्मिनल जैसे टूल है वो कौन यूज़ करते हैं जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जो हैज़ फंड्स होते हैं जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो ये मान के चलो मिलियंस ऑफ़ डॉलर इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो इस टूल को यूज़ करके ये सब डेटा आइडेंटिफाई करके डेटा को स्टडी करके फिर डिसाइड करते हैं किस में इन्वेस्टमेंट करना है आपके पास चाहे वो सौ डॉलर हो फॉर एग्ज़ाम्पल या हज़ार डॉलर हो बट आप भी उनकी तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आपका अप्रोच वैसा हो सकता है राइट क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेसफुल तो वो लोग होते ही है हेज फंड हो गया या फिर वी हो गए वो बड़े पैसे के साथ खेलते हैं बट अगर आप उनने आपने उनकी अप्रोच यूज कर ली उनकी माइंड को समझ लिया तो अल्टीमेटली आपको भी सक्सेस मिल सकती है अगर आपका फंड लिमिटेड है उससे फ़र्क नहीं पड़ता मतलब सक्सेस आपको मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग यहाँ पे आप करोगे जितना ज़्यादा डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग करते हैं उतना ज़्यादा हम हमारे रिस्क कम करते हैं रिस्क कम हो जाती है और रिवॉर्ड की पोटेंशियल बढ़ जाती है तो यहाँ पे मेन जो इसका फीचर है वो ये डेटा टेबल है तो इस डेटा टेबल के में सारे अलग अलग जो है आप कॉलम्स देख सकते हो प्राइस है ट्वेंटी फोर आवर्स चेंज सर्कुलेटिंग मार्केट कैप है एफ डी वी है टी वी एल है टोटल रेवेन्यू है सेवन डे ट्रेंड है प्राइस का पी एस रेशो है पी ई रेशो है ट्रेजरी है ट्रेजरी, है, ट्रेजरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो अभी एक एक करके देखते हैं कि किसका क्या सीन है तो अगर सबसे पहले ट्रेजरी की बात करते हैं तो ट्रेजरी जो सबसे ज़्यादा अभी है यूनुसफेफ के पास है तो 2.3 बिलियन डॉलर जो है यूनिस्फेफ के पास ट्रेजरी में पड़ा है वो काफ़ी अच्छा एक इंडिकेटर कि ट्रेजरी में उनके पास वन बिलियन डॉलर से ऊपर अमाउंट पड़ा है वो भी 2.3 बिलियन डॉलर के आसपास पड़ा है वो टॉप थ्री में आ रहा है और सेकेंड जो है ई एन एस एथीडियम सर्विस है उससे ऑलमोस्ट डबल उनके पास ट्रेजरी के अंदर अभी जो है फ़ंड पड़ा है तो ट्रेजरी में जितना फ़ंड होता है उतना ज़्यादा आगे जाके वो डेवलपमेंट कर सकते हैं आगे जाके उस प्रोटोकॉल को और ग्रो कर सकते हैं मार्केटिंग में स्पेंड कर सकते हैं अगर ट्रेजरी की बात करते हैं उसके हिसाब से इट इज़ अंडर वैल्यू एड दिस मोमेंट क्योंकि इसका एफ डी वी है वो फाइव पॉइंट फोर बिलियन डॉलर है और एफ डी वी की ऑलमोस्ट आधी ही उसकी ट्रेजरी वो काफ़ी बड़ी बात है मतलब सर्कुलेटरी सप्लाई मार्केट कैप जो है उसका फोर पॉइंट वन बिलियन डॉलर है और यहाँ पर टी वी एल की बात करते हैं तो टी वी एल जो इसका है वो उसके एफ डी वी से भी ज़्यादा है राइट और सर्कुलेटिंग मार्केट कैप से तो ज़्यादा ही है तो यहाँ पे सर्कुलेटिंग मार्केट कैप और टीवील का जो रेशो है वो एक से कम है पॉइंट सेवन पॉइंट एट के आसपास हो सकता है तो इन दोनों को आपस में फोर पॉइंट वन स्लैश फाइव पॉइंट सिक्स मतलब फोर पॉइंट वन को आपको डिवाइड करना है फाइव पॉइंट सिक्स तो कितना आता है एक बार देख लेते हैं पॉइंट सेवन थ्री है सो इस एन अमेजिंग रेशो राइट तो पॉइंट सेवन थ्री मार्केट कैप और टीवेल का रेशो है वो काफी सही रेशो है तो ये अंडर वैल्यू यहां पर भी होता है टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू जो है वो भी फोर्टी मिलियन डॉलर के आसपास है सेवन डे का यहाँ पे बता रहा है तो वो भी एक अच्छा इंडिकेटर है तो पीएस रेशो की बात करते हैं जितना कम होता होता है है उतना वो अंडर वैल्यू तो पीएस रेशो के हिसाब से टेन से कम होना चाहिए पीएस रेशो तो वो थोड़ा अंडर वैल्यू के अंदर जाता है तो टेन के आसपास ही है तो पीएस रेसो के हिसाब से भी अंडर वैल्यू ही आ रहा है यूनिस पी क्या होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो राइट कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द फुली फुलटेड मार्केट कैप विद द एनोलाइज प्रोटोकॉल रेवेन्यू शो हाउ प्रोजेक्ट इज वैल्यू इन रिलेशन टू इट्स प्रोटोकॉल रेवेन्यू और ये पी एस रेशो ये प्राइस टू सेल्स रेशो होता है इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द फुली मार्केट कैप विद एनुलाइज रेवेन्यू शोज हाउ यर प्रोजेक्टेड वैल्यूड इन रिलेशन टू इस रेवेन्यू पी एस रेशो का कैलकुलेशन आता है जो फुली डल्यूटेड मार्केट कैप है उसको डिवाइड किया जाता है एनुलाइज रेवेन्यू से फिर जो आपके पास नंबर आता है वो आपका पी एस रेशो होता है पी ई रेशो में क्या होता है ये कैलकुलेट किया जाता है फुली डायलूटेड मार्केट कैप को डिवाइड किया जाता है एनोलाइज प्रोटोकॉल रेवेन्यू से फिर जो रेशो आता उसको /E है उसको पी रेशो बोलते हैं तो यूनिस्वेब का पीएस रेशो ये है और पी रेशो उसका नील इसलिए है क्योंकि यूनिस्वेब जो है जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो एज ए प्रोटोकॉल दे आर नॉट मेकिंग एनी मनी इसलिए जो ये पी रेशो /E है वो आई थिंक ब्लैंक है बट uh, यहाँ पे उनका प्रपोजल फ्यूचर uh, में पास uh, हो सकता है कि वो कुछ परसेंटेज जो है अपने पास ट्रेजरी में डालें और जो भी लाइक पॉइंट थर्टी परसेंट के आसपास पर ट्रेड वो कलेक्ट करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर को पॉइंट टू फाइव परसेंट के आसपास उनको हो जाता है बाकी आ, होल्डर्स को हो जाता है तो उस केस में अभी कुछ परसेंटेज जो है वो उनकी ट्रेजरी में जा सकता है तो ये पी रेशो उस केस में बढ़ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्टैब्लिश है तो पी रेशो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है यूनिस्प के लिए क्योंकि इसका पी एच रेशो काफ़ी सही है और आप ये मार्केट कैप टीवीएल का रेशो देखो वो काफ़ी अमेजिंग है ट्रेजरी सबसे बड़ी है तो पहला अंडर वैल्यू जो क्रिप्टो करेंसी है वो यूनिस्वैप है यहाँ पे ये आप देख सकते हो टी मार्केट कैप के हिसाब से लीडो फाइनेंस में देखो कितना बड़ा डिफरेंस है 1.1 से लेके 7.2 का है तो ये तो काफ़ी कम है इसका जो मार्केट कैप टीवीएल रेशो जो आप देखोगे ना तो वो तो लाइक काफ़ी अमेजिंग है पॉइंट है तो अंडर वैल्यू है लीडो फाइनेंस पर काफ़ी अंडर वैल्यू है इसका टी काफ़ी सही है क्योंकि लोगों ने इधर काफ़ी स्टेक किया लीडो फाइनेंस पे लिक्विड स्टेकिंग प्रोवाइड करता है लोग इथेरियम जो है अभी स्टेक काफ़ी और भी करेंगे तो लीडो फाइनेंस इज शॉर्ट ऑफ अंडर वैल्यू हीयर वन डॉलर पर लीडो फाइनेंस काफ़ी अमेजिंग है और अंडर वैल्यू क्रिप्टो है अगर मार्केट कैप टी का रेशो आप कंसिडर करते value, आ, हो पे अंडर वैल्यू कैसे है वो आपको बताना पड़ेगा कि अंडर वैल्यू कैसे है अंडर वैल्यू किस मैट्रिक्स के हिसाब से तो मार्केट कैप कैप्टिवियल के हिसाब से अंडर वैल्यू जरूरी नहीं कि वो आगे जाके पी एस रेशो के हिसाब से अंडर वैल्यू हो या पी रेशो के हिसाब से अंडर वैल्यू हो क्योंकि पी एस रेशो के हिसाब से अंडर वैल्यू आ रहा है दस के नीचे हो तो अंडर वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हो पी रेशो के हिसाब से अंडर वैल्यू नहीं है ट्रेजरी के हिसाब से ये थोड़ा ठीक ठाक है मतलब अंडर वैल्यू तो नहीं बोल सकते बट इट हैज रिसेंट ट्रेजरी तो ये जो अलग अलग मैट्रिक्स है इसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा अंडर वैल्यू है कौन सा नहीं है सबसे पहली मैट्रिक जो मैंने आपको बताई जनरली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एप्लीकेशन में होती है मार्केट कैप वर्सेज टी वी एल मार्केट कैप और टी वी एल का रेशो एक के नीचे है तो क्रिप्टो करेंसी अंडर वैल्यू होती है सेकेंड जो है आपका पी एच रेशो जो है दस के नीचे है तो अंडर वैल्यू क्रिप्टो करेंसी होती है इस पर देख सकते हो कौन कौन सी अंडर वैल्यू क्रिप्टोकरेंसी पी एच रेशो के हिसाब से है पी एस रेशो क्या क्या होता है प्राइस टू सेल्स रेशो फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप को डिवाइड किया जाता है एनुलाइज प्रोटोकॉल रेवेन्यू से जो नंबर आता है वो पी एस रेशो होता है पी रेशो जो होता है अर्निंग से डिवाइड किया जाता है फुली डायलूटेड मार्केट कैप को ये जो है ये भी आ, आपका बीस से नीचे आप मान के चल सकते हो कि ये भी काफ़ी हेल्दी रेशो हो सकता है बीस के नीचे पी रेशो और पी एस रेशो को आप दस के नीचे मान सकते हो और पी एच रेशो को पी ई रेशो को आप बीस के नीचे मान सकते हो क्योंकि अर्निंग अभी प्रोटोकॉल्स की इतनी नहीं है उसके हिसाब से बीस के नीचे एक सॉर्ट sort ऑफ of, अंडर वैल्यू के अंदर क्रिप्टो करेंसी आ जाती है और ट्रेजरी साइज़ की अगर बात करते हैं तो ट्रेजरी साइज एटलीस्ट हंड्रेड मिलियन डॉलर के ऊपर है तो थोड़ा ठीक ठाक है अच्छा है और ट्रेजरी साइज में आप ये देख सकते हो कि आ, उसका मार्केट कैप और ट्रेजरी साइज में कितना डिफरेंस है उससे आपको पता चलेगा कि यू नो you know, कि कितना ज़्यादा अंडर वैल्यू है जैसे आप ट्रेजरी की बात करते हैं तो वहाँ पे वन बिलियन डॉलर की ट्रेजरी इथेरियम नेम सर्विस के पास है बट इसका जो सर्कुलेटिंग मार्केट कैप है वो थ्री फोर सिक्स मिलियन डॉलर के आसपास है और वन पॉइंट थ्री बिलियन डॉलर का एफ डी वी है तो एफ डी बी के हिसाब से भी आप देखोगे तो इसका ट्रेजरी काफ़ी डिसेंट है तो अगर ट्रेजरी के हिसाब से बात करते हैं इथेरियम नेम सर्विस जो है वो काफ़ी सही अंडर वैल्यू यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो राइट वन इंच की बात करते हैं तो थ्री फोर टू तो पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का सर्कुलेटिंग मार्केट कैप है तो टू फोर्टी मिलियन डॉलर उनके पास पड़े हैं एफ ई आई प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो नाइन्टी सिक्स मिलियन डॉलर का उनका सर्कुलेटिंग मार्केट कैप है बट वन थर्टी एट बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेजरी पड़ी है तो ये आपको ये देखना है कि कंपनी की स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए कि ये इनको सबको कंपनी समझ के चलोगे सारी कंपनीज़ है इनकी स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है कितनी उनके पास ट्रेजरी है कितने उनके पास पैसा पड़ा है कि आगे जाके उसको ग्रो कर सकते प्रोटोकॉल को तो ट्रेजरी इज इंपॉर्टेंट हयर एट द सेम टाइम टी वी एल इज इंपॉर्टेंट कितने लोग उस पर पैसा डिपोजिट कर रहे हैं कितना लोगों का ट्रस्ट है उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के ऊपर राइट वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ये सारे डेटा मेट्रिक्स को यूज़ करके आप अल्टीमेटली ये पता लगा सकते हो कौन सा अंडर वैल्यू है कौन सा ओवर वैल्यू है, है यहाँ पे ओवर वैल्यू कौन सा है ये अभी अगर देखना है तो एक बार टीवीएल के टीवीएल और मार्केट कैप का रेशो के हिसाब से पता लगाते कौन सा ओवर वैल्यू राइट ये टी जो है आपको नेटवर्क का नहीं मिलेगा टीवीएल इसका जो डेटा है वो डिफाई प्रोटोकॉल्स का ही जनरली होता है डिफाई एप्लीकेशन का ही मिलेगा इथीडियम पॉलीगन ये सब नेटवर्क है एल नेटवर्क है पॉलीगन जो है साइड चेन है तो जो ब्लॉक नेटवर्क है उनका टी वी एल का भी कंसिडर नहीं किया जाता डिफाई की एप्लीकेशन का कंसिडर किया जाता है ये चीज़ भी पॉइंट करना है क्योंकि लास्ट ईयर ये भी डिबेट हो रही थी कि लोग पॉलीगन का टी वेल काउंट कर रहे थे बट वो प्रैक्टिकली सही भी नहीं लॉजिकली कोई मतलब नहीं आप 16 का टी वेल काउंट करो या फिर पॉलीगन का टीवेल काउंट करो उसके हिसाब से बताओ पॉलीगन अंडर वैल्यू है डेट डजेंट मेक सेंस आप डिफाइव प्रोटोकॉल के टीवेल के हिसाब से बात कर सकते हो फिर वो मैट्रिक्स काम आ सकती है आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी मैट्रिक्स कहाँ पर काम आती है तो मार्केट कैप और टी वी एल रेशो मेट्रिक्स है और डीफाई पर्टिकुलर डीफाई एप्लीकेशन में ही आप उसको यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ऑस्मोसिस का टी काफ़ी कम है सर्कुलेटिंग सप्लाई ज़्यादा है तो ये ऑलमोस्ट दो का रेशो यहाँ पर आ रहा है तो ये थोड़ा सा ओवर वैल्यू यहाँ पे प्राइस इसकी ओवर वैल्यू आप कह सकते हो इसके अलावा वन इंच की बात करते हैं वन इंच का टी काफ़ी कम है और उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है तो मार्केट कैप टी के हिसाब से एक, एक, एक सॉर्ट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू आप कह सकते हो थोड़ चेन भी ओवर वैल्यू हिसाब से तो ये सब मैट्रिक्स है यहाँ पे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ भी नहीं है सब मैट्रिक्स के हिसाब से सारी क्रिप्टो करेंसी अलग रिजल्ट दे सकती है जैसे ये हो सकता है कि ऑस्पोसिस इस मैट्रिक्स के हिसाब से ओवर वैल्यू हो बट दूसरी मैट्रिक्स के हिसाब से यू नो सॉर्ट ऑफ राइटली वैल्यूड हो सकता है या फिर अंडर वैल्यू भी हो सकता है बट पी एस के हिसाब से भी ये ओवर वैल्यू लग रहा है यहाँ पर तो फंडामेंटल लेवल पे ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो इतना कुछ हुआ नहीं है और कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो सॉर्ट ऑफ ओवर वैल्यू है फंडामेंटल की बात करोगे तो आपको 98 परसेंट जो प्रोजेक्ट मिलेगा 98 परसेंट तो मैं कम बोल रहा नाइन्टी परसेंट जो प्रोजेक्ट मिलेगा करेंसी मार्केट के अंदर वो उनका कोई फंडामेंटल वैल्यू ही नहीं है उन्होंने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया कि वो रेवेन्यू जनरेट कर सके वो हाइप पर चल रहा है बट लंबे टाइम तक हाइप में नहीं चल पाएंगे जब रेगुलेशन आएगा जब फंडामेंटल पर बात होगी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट उन पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं वो आगे ग्रो करेंगे इसलिए इट इस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चीज़ पता होनी चाहिए टोकन टर्मिनल का आपको यूज़ करो इसको एक्सप्लोर करो आपको चीज़ें पता चल जाएगी मैंने ओवरऑल एक आइडिया आपको दे दिया है किस टाइप से देखना है और इट इज़ ऑलमोस्ट सेम हाउ यू पिक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इक्विटीज़ स्टॉक इन एनी एन कैपिटल मार्केट वेदर इन यू एस स्टॉक मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट इस टाइप से आप स्टॉक मार्केट के पिक लोग यू नो सेलेक्ट करते हैं जो भी बड़े फंड मैनेजर होते हैं तो उस तरीके से ही आप कर सकते हो ये जो टूल है वो फंड मैनेजर के लिए है जो बड़े फ़ंड मैनेजर हो किस टाइप से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सारी चीज़ें वो नोट करते हैं आप भी नोट कर सकते हो ज़रूरी नहीं कि आप फंड मैनेजर नहीं हो तो आप नहीं कर सकते आप कर सकते हो आप करोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा राइट तो इसके हिसाब से आप इस टूल को और एक्सप्लोर कर सकते हो और ओवर यू मैंने आपको इस टूल का दे दिया है बाकी इसमें अलग अलग टाइप से आप इसको यू नो नैरो डाउन कर सकते हो फिल्टर लगा सकते हो एक एक प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में डीप डाइव कर सकते हो आरबी ट्रिम के बारे में डीप डाइव करना है तो पूरा डीप डाइव कर सकते हो और ये ग्रोथ होनी भी जरूरी है प्रोटोकॉल रेवेन्यू ग्रोथ आपको दिखनी चाहिए आपको हर चीज़ टी की ग्रोथ दिखनी चाहिए तो वो चार्ट आप देखोगे ना उसमें आपको और आइडिया लगेगा तो आप एक एक की चार्ट डिटेल में स्टडी करो तो फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का अगर चार्ट देखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से आप डीप डाइव कर सकते हो टोटल रेवेन्यू इसका अभी थर्टी डेज के हिसाब से ड्रॉप हो रहा है ये मैट्रिक्स डिक्लाइनिंग है पी एस जो है वो पॉजिटिव है आप देख सकते हो कि साल में कितनी ग्रोथ हुई रेवेन्यू में सेवन पॉइंट फोर परसेंट हुई है और सेवन डे में कितना है तो ये तो नेगेटिव नंबर इसलिए क्योंकि बेयर मार्केट चल रहा है लोग इतना है, ट्रेड नहीं करते बेयर मार्केट में पर यूनियपैपे तो ट्रेड ही होती है इसके लिए ये सब नेगेटिव मैट्रिक्स दिख रही है बट ओवरऑल जो बाकी जब मैट्रिक्स की बात की है तो वो पॉजिटिव है बाकी ये सब देख सकते हो ग्रोथ वगैरह कितना है ये तो यूनिस्पैप जो टॉप पर ही है इस पर कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है बाकी सब काफ़ी पीछे है तो ये देख सकते हो कौन सा उनके कंपटीशन के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो किस टाइप से परफॉर्म कर रहा है वो यहाँ पे आपको डेटा मिल रहा है तो इस टाइप से आप पूरा देख सकते हो तो लाइक इसमें इस अप टू यू कितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो उतना ज़्यादा आपको डेटा मिलेगा जितना डेटा मिलेगा उतना डेटा के हिसाब से आप सही डिसीजन ले पाओगे डेटा ड्रीवन इन्वेस्टिंग अप्रोच यूज़ करके आप काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप और एक एट द सेम टाइम एक और मैं आपको बात बोलना चाह रहा हूँ कि आपने टोकन टर्मिनल आपने यूज करना सीख लिया तो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द स्किल राइट अगर आपको ये स्किल सेट आपने डेवलप कर दिया कि आप ये स्टडी कर पा रहे हो सारे डेटा के जो टोकन टर्मिनल के अंदर है जो मैट्रिक्स है ये जो भी मैट्रिक्स मैंने बताई है उसमें आपने और डीप डाइव किया और रिसर्च किया आपको और पता चला कैसे चीज़ें काम करती है तो बाद में हो सकता है इस टाइप की ओपनिंग्स uh, भी नि निकलेगी फ्यूचर में कि कई सारे हेज़ फंड्स को कई सारे इन्वेस्टमेंट फंड्स को रिक्वायरमेंट होगी फंड मैनेजर की तब इस टाइप की टूल की पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज की नीड हो सकती है उस केस में आप जॉब भी कर सकते हो एट द सेम टाइम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और आप फिलानसिंग नहीं भी कर रहे हो आप आगे जाकर खुद का फंड भी लॉन्च कर सकते हो अगर आपको ये सब करना आता है तो सो स्टॉप इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो लाइक ए नूप रादर यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो लाइक ए प्रो एंड दिस इज़ द टूल यू विल नीड इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम ए प्रो इन क्रिप्टो इन्वेस्टिंग एंड देट इज़ ऑल फॉर माई साइड इन दिस वीडियो और आई होप आपको ये इंसाइट ये इन्फॉर्मेशन ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और आपके जो भी थाट्स है कमेंट में आप बिल्कुल बताइए कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना पूरा नहीं हो तब भी चैनल पर सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना और मिलते नए वीडियो में काफ़ी जल्दी थैंक यू